ये देखिए बैंगन हमारे फ्राई हो चुके हैं। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बैंगन की एक रेसिपी। बैंगन इजीली सबके घर में मौजूद होते हैं। बैंगन की बहुत सारी रेसिपीज होती हैं, इसमें से एक ये भी है, सिंपल एंड ईजी। इसको हम इस तरह से कट कर लेंगे, इसके अंदर हम बारीक बारीक इस तरह से जैसे मैंगो को कटते हैं कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। इसके अंदर हम मसाला भर देंगे। देखिए बैंगन को हमने इस तरह से कट लगा दिए सबको। टमाटर को भी हम इसी तरह इसी शेप में काट लेंगे। टमाटर को भी हम इसी तरह अंदर से कट लगा लेंगे। और इसके अंदर मसाला भर देंगे, जो हम बैंगन में भरेंगे वही इसमें भरेंगे। इस तरह से खोल देंगे हम ताकि अंदर इसके मसाला भर सके। अब हम बैंगन में मसाला ऐड करेंगे। सिर्फ दो मसाले ऐड होंगे इसमें नमक के साथ, लाल मिर्च और सूखा धनिया। नमक, इस सूखा धनिया कुटा हुआ मोटा मोटा, और ये लाल मिर्च। इस तरह से इसके बाद हम डालेंगे लाल मिर्च, नमक, सूखा धनिया और लाल मिर्च। ये देखिए रखते जाएंगे जो हमने मसाला लगा के रखा है। इस तरह से टमाटर और हरी मिर्च जब तक ये अच्छी तरह गल जाएगी, हम इसके ऊपर हल्का हल्का तेल डाल देंगे सब के ऊपर बराबर। तो देखिए बैंगन अच्छी तरह गल गए हैं, टमाटर भी। अब हम इसको एक दफ़ा पलट लेंगे ताकि ये इस तरह से भी फ्राई हो। हमने सारे पलट दिए, अब 5-2 मिनट बस इसको छोड़ेंगे इस तरह ताकि ये नीचे से भी फ्राई हो। तो बैंगन हमारे कम्प्लीटली फ्राई हो गए, अब हम इसको डिश आउट करें। बैंगन हमारे फ्राई हो गए, अब हम इन्हें डिश आउट कर रहे हैं। ये देखिए हमारे बैंगन फ्राई होकर रेडी हो गए हैं। ये देखें हम इसे चपाती के साथ खाएंगे, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।